आलोचना करी दशम श्रेणी विज्ञान रोटे भेरी भेरी इम्पोर्टाट सेट तेणुक भिडियोटी को संपूर्ण देख एवं जब चैनल टू बर्तमान सुधा सब्सक्राइब करना हो तेज चैनल टू सब्सक्राइब कर मोर आगामी समस्त भिडियो देखापी पूर्व अनेक गुटे सेट आलोचना कर सारी जदि भिडियो देखापी इच्छुक तेज प्ले लिस्ट को जाए देखिपर तेज आसतु भिडियो टू स्टार्ट करवा पे प्रथम आलोचना करी भौतिक विज्ञान क विभाग पढ़ी भौतिक विज्ञान एक नंबर प्रश्न शून्य स्थान पूरण कर आई पॉइंट मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पीएच डैश अटे पे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पीएच के दस अटे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पीएच के अटे ना दस अटे अमालगम डैश मिश्र धातु पे अमालगम हूँ पारदर मिश्र धातु अमालगम हूँ पारदर मिश्र धातु डैश दर्पण फोकस दूरता धनात्मक अटे पे के दर्पण फोकस दूरता धनात्मक अटे पे उत्तल दर्पण पे उत्तल दर्पण फोकस दूरता धनात्मक अटे एकाधिक प्रतिरोधर डैश संजोगर सर्वनिम्न प्रतिरोध मिलता है पे एकाधिक प्रतिरोधर डैश संजोगर ना समांतरल संजोगर सर्वनिम्न प्रतिरोध मिलता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत स्रोतधारी परिवाही मध्य कोणर परिमाण डैश रहिले परिवाही उपर बल कार्यकारी कर पे क्या उपर बल कार्यकारी कर ना जीरो डिग्री शहे अशी डिग्री मध्य पे आउ थे कही देख मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पीएच दस अटे अमालगम पारदर मिश्र धातु उत्तल दर्पण फोकस दूरता धनात्मक अटे एकाधिक प्रतिरोधर समांतर संजोगर कम सर्वनिम्न प्रतिरोध मिलता है चुंबकीय क्षेत्र विद्युत स्रोतधारी परिवाही मध्य कोणर परिमाण शून्य डिग्री शहे अशी डिग्री मध्य रे परिवाही उपर बल कार्यकारी हे बता सुधा एक नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना कर चाली पर स्टेप दुई नंबर आलोचना करा पे कौन ना दुई नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा पे दुई नंबर में पड़ी गोटे शब्दर उत्तर दि दुई नंबर प्रश्न कौन पड़ी गोटे शब्दर उत्तर दि सी एच फोर प्लस टू ओ टू गिव राइज सी ओ टू प्लस टू एच टू यही समीकरण में पदार्थ गुड़िकर भौतिक अवस्था दर्शापी ए क्यू आई आउ जी एवं एस मधर केतोटी संकेत व्यवहार हे पे केतोटी संकेत व्यवहार हे ना गोटे संकेत व्यवहार होबर स्टेप कार्बन क्यों अपर उपटी फुटबल परी पे कार्बन मनकता फुलेरीन के फुलेरीन संरचना फुटबल परी गोटे वस्तुर प्रतिबिंब एफ टू एवं टू एफ टू मध्य सृष्टि होगापी वस्तुटी उत्तल लेंसर केवठार रहा आवश्यक पे उत्तल लेंसर कौट रहा ना टू एफ पर टू एफ वन पर क्या पर रहा ना टू एफ वन पर रे वस्तु कौन हम उत्तल लेंसर केवठार रहा दरकार ना टू एफ वन पर प्रथम मध्यम तुलन में द्वितीय मध्यम प्रतिसरण को किपर प्रकाश कराए पे मन रखता प्रथम मध्यम तुलन में द्वितीय मध्यम तो लिखा जो एन टू वन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एन टू वन विद्युत प्रवाह कम प्रतिरोध करुवा पदार्थ को कौन कहुए पे विद्युत प्रवाह कम कर पदार्थ को कौन कहुए ना सुपरिवाही कौन कहुए पे सुपरिवाही पर प्रश्न तीन नंबर प्रश्न पे तीन नंबर प्रश्न हूँ कौन रेखांकित पद को न बदल भ्रम संशोधन कर पे कौन तीन नंबर प्रश्न ना रेखांकित पद को न बदल भ्रम संशोधन कर पे देख लिखाई पंचम पर्याय और ग्रुप चौदर मौलिकर परमाणु क्रमांक अणचाश हे पे कौन दे पंचम पर्याय ग्रुप चौदर मौलिकर परमाणु क्रमांक अणचाश हेनी पचास हे के हम पचास हे सी थ्री एच सिक्स ओ अणुसंख्य जौगिक सक्रिय ग्रुप्टी आल्कोहल अटे पे सक्रिय ग्रुप्टी हूँ कीटन कि आल्डिहाइड हे कौन हम कीटन हे कि आल्डिहाइड हे गोटे वस्तु अबदल दर्पण में सी पर रे प्रतिबिंब परिवर्तन माइनस वन हे पे माइनस वन होनी माइनस वन ठारु अधिक हे कौन हम पे माइनस वन ठारु अधिक हे पे आई भी प्रश्न कौन अच्छी ना परिपथरे सर्वनिम्न परिमाण में विद्युत स्रोत पाइबापी विद्युत उपकरण टू समांतर संजोग कराए पे समांतर संजोग कराएनी मुझे पूर्व आलोचना कर सारे कौन कर पे किभ संजोग ना समांतर संजोग कराए कौन कराए समांतर संजोग कराए परिपथरे सर्वनिम्न परिमाण विद्युत स्रोत पाइबापी विद्युत उपकरण गुड़ी समांतर संजोग कराए केमती कराए समांतर संजोग खेलना गुड़िकर एसी मोटर व्यवहार कराए पे खेलना गुड़िकर डीसी मोटर व्यवहार कराए मन रहा खेलना गुड़िकर क्यों मोटर व्यवहार कराए डीसी मोटर पे एक नंबर दुई नंबर तीन नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना कर सारे बर्तमान चारि नंबर आलोचना करा कौ नंबर ना चारि नंबर बाम पार्श्वर शब्द द्वयर संपर्क को देखी दक्षिण पार्श्वस्थ खाली स्थान पूरण कर पे कौन कर बाम पार्श्वर शब्द द्वयर संपर्क को देखी
ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 8ଟି ମୌଳିକ ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେତୋଟି ମୌଳିକ ହେବ? 8ଟି ମୌଳିକ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 8ଟି ମୌଳିକ, ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 8ଟି ମୌଳିକ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା NaHCO3, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା Na2CO3। ମନେ ହେଲା ବେଲେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ହେଉଛି NaHCO3, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ହେଉଛି Na2CO3। ଏଫି ଧାତୁ ହେଲେ ଏଫି ହେଉଛି ଧାତୁ, ଟେଲୁରିୟମ୍ ହେଉଛି ବୋଲେ କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧଧାତୁ, ଟେଲୁରିୟମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧଧାତୁ। ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଧନାତ୍ମକ, ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଋଣାତ୍ମକ। ପ୍ରତିରୋଧର ସମାନ୍ତର ସଂଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ବିଭାଜନ, ପ୍ରତିରୋଧର ପଙ୍କ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତର, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତରର ବିଭାଜନ କ'ଣ ହେବ ବୋଲେ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତରର ବିଭାଜନ। ପିଲା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 8ଟି ମୌଳିକ, ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 8ଟି, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା NaHCO3, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା Na2CO3, ଏଫି ହେଉଛି ଧାତୁ, ଟେଲୁରିୟମ୍ ହେଉଛି ବୋଲେ କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧଧାତୁ। ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଧନାତ୍ମକ, ମନେ ରଖିବ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ପାୱାର ହେଉଛି ଋଣାତ୍ମକ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରତିରୋଧର ସମାନ୍ତର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ବିଭାଜନ, ପ୍ରତିରୋଧର ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତରର ବିଭାଜନ। ବୋଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, କ'ଣ ବୋଲେ ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବୋଲେ 484 ଓମ୍ ପରିପଥରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତର 110 ହେଲେ ପାୱାର କେତେ ହେବ? ବୋଲେ ଏଇଟାକୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ମନେ ରଖ। 484 ଓମ୍ ପ୍ରତିରୋଧର ବିଭ୍ରାନ୍ତର 110 ହେଲେ ପାୱାର ହେବ 25 ୱାଟ, କେତେ ହେବ ବୋଲେ ପାୱାର 25 ୱାଟ। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର ନିକଟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁକୁରିକା ପଛରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ବୋଲେ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରେ, କେଉଁଠି ନା ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରେ ନିକଟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୁକୁରିକା ପଛରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବୋଲେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଯୌଗିକରେ ଥିବା ଏକ ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ ତାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁ ଶୁଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଯୌଗିକରେ ଥିବା ଏକ ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ ତାହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଇକ୍ଲୋପେଣ୍ଟେନ୍ ଅଣୁଗଠନ ପାଇଁ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆବଶ୍ୟକ? ବୋଲେ ସାଇକ୍ଲୋପେଣ୍ଟେନ୍ ଅଣୁଗଠନ ପାଇଁ 3ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆବଶ୍ୟକ, କେତୋଟି ନା 3ଟି। ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ବୋଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ବୋଲେ ଧାତୁ ଏବଂ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କି ବନ୍ଧ? ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି।